हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। हेलो एंड वेलकम, एमएसएल की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं कक्षा अष्टम का साइंस का चैप्टर वन का जो चैप्टर कोशिका है सेल है उसकी पार्ट टू के तहत मैं वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो शुरू किया जाए, क्या है कक्षा अष्टम विज्ञान कोशिका चैप्टर है, सेल चैप्टर जिसको लोग कहते हैं, एमसीक्यू है, ये पार्ट टू के अंतर्गत क्वेश्चन है, लगभग इसमें सब आ गया है, फिर अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे हम लोग। बोलते हैं कि कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो कोशिका चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो आपको पता होगा कि कोशिका पादप पे भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है, लेकिन प्रश्न है कि कोशिका का सबसे बाहर का झिल्ली किसे कहते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन क्या था कि कोशिका का सबसे बाहर का आवरण, मतलब मान लीजिए कोशिका ये कोशिका है, इस कोशिका के ये जो बाहरी वाला पार्ट है इसको इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर में क्या होता है, मतलब इसके बाहर एक और लेयर पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और लेयर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है कोशिका भित्ति। अब इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, कोशिका भित्ति कैसे पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। ऑप्शन रहेगा पादपों में, जंतुओं में, दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो कोशिका भित्ति पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। एक क्वेश्चन यह छूट रहा था कि कोशिका का सबसे बाहरी हो गया, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं, चयनात्मक पारगम झिल्ली कोशिका झिल्ली को क्यों कहा जाता है। तो एक्चुअली में कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली इसलिए कहा जाता है कि यह हमारी कोशिका झिल्ली है, ये क्या करता है कि आवश्यक सामग्री है जिसकी जो आवश्यकता है उसको अंदर आने देगा, मतलब ये हमारा था कोशिका झिल्ली, ये सिर्फ पाया जाता है पादपों में, कौन कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति हमने भी आपको बताया कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाया जाता है। अब वो था कि चयनात्मक पारगम पारगम झिल्ली से क्यों कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है कोशिका के लिए, जो महत्वपूर्ण या आवश्यक चीजें हैं वो आने देता है और अवशिष्ट चीजों को यहाँ से वह बाहर जाने देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं, किसे कोशिका झिल्ली को। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया कि पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर में क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच भाव को क्या कहते हैं। अब ये कोशिका है और यहाँ सेंटर में पाया जाता है, इसको बोलते हैं लोग केंद्रक, इन दोनों के बीच के भाव को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ एक कुछ पाया जाता है लिक्विड जैसा, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव। यह यहाँ जो पाया जाता है ये क्या है, ये है आपका कोशिका द्रव, ये वाला इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। यह है कोशिका द्रव, ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, बीच के भाव को क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली यानी किस नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है, हम लोग देख रहे थे कि ये जंतुओं में भी पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, लेकिन किसमें नहीं पाया जाता है कोशिका, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाया जाता है, दूसरे में जैसे जंतु में हो गया उसमें नहीं पाया जाता। क्वेश्चन था कि कोशिका झिल्ली यानी किस नाम से जाना जाता है, तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अब इसी में प्रश्न है कि कोशिका की आकृति बताइए, तो कोशिका की आकृति बहुत होती है, गोलाकार चपटाकार सब होता है। कोशिका का सजीव संघटक कौन है, मतलब कोशिका में कोई ऐसा है जो सजीव का संघटक के रूप में काम करता है, तो उसका आंसर है केंद्रक। कोशिका का सजीव संघटक कौन कहलाता है, केंद्रक। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा, क्या करेगा कि केंद्रक कोशिका का खाली स्थान संघटक है, तो इस आपको आंसर माना होगा सजीव संघटक है। अगला प्रश्न है केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये अभी आपके लिए छोड़ रहे हैं, बताते लास्ट में आपको बताएंगे। कोशिका के तीन मुख्य घटक कौन है, कोशिका के तीन मुख्य घटक कौन है, तो कोशिका के तीन मुख्य घटक होते हैं, पहला नंबर कोशिका में बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं लेकिन तीन मेन में है, तीन पाया ही जाएगा, सब में पाया जाएगा, इसे पहला है वह है कोशिका झिल्ली। कोशिका के तीन मुख्य संघटक ये घटक कौन है, तो पहला नंबर कोशिका झिल्ली, दूसरा नंबर कोशिका द्रव या कोशिका द्रव ही कहते हैं, कोशिका द्रव, और तीसरा नंबर है आपका केंद्रक, केंद्रक। तो कोशिका के तीन मुख्य घटक कौन कौन है, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका घटक, तीसरा केंद्रक। सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ध्यान रखिएगा ये तीन होता है झिल्ली द्रव और केंद्रक। अब प्रश्न मेरा छठा नंबर छूट रहा था, वह था कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाया जाए, मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, इसका आंसर आता है जीव द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाने के बाद जीव द्रव आता है। आगे है कि सेफ्रनी किसका अभिव्यंजक है, अब बुक में देखिएगा बहुत सारे अभिव्यंजक का चर्चा उसमें किया गया है, तो एक मैंने लिया है कि सेफ्रनिन किसका अभिव्यंजक है, तो सेफ्रनिन जो है वह केंद्रक का अभिव्यंजक है, केंद्रक का अभिव्यंजक। अब इसी प्रश्न को चेंज कर देगा कि केंद्रक का अभिव्यंजक कौन है, तो आपको बताना होगा सेफ्रनिन। अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो ये हरे पत्तियों में पाया जाता है, हरे पत्तियों में या हरी पत्तियां, जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार उसमें लिख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरित वर्ण किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो हरित वर्ण। क्वेश्चन था कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, किसी भी जीवन का मेन बेस क्या है, आधार क्या है, तो जीवन का किसी भी जीवन का भौतिक आधार जो है वह है जीव द्रव्य। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमसीक्यू के तहत आपके पास लाया गया था, चैप्टर 1 के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया गया, देख लीजिएगा। और इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का पिक्चर
बनाना आपको आना चाहिए और उनका अंतर पादप कोशिका में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा तो इस चैप्टर से सारे प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं छूटेंगे। एक अभिरंजक वाला टॉपिक था, अभिरंजक वाला भी देख लीजिएगा, बस पूरा चैप्टर समाप्त। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।